हिमालय पर वेदशाला, सौर मंडल पर रखी जाती थी नजर। भागीरथी और अलकनंदा के संगम तट पर बसा है देवप्रयाग। ये स्थान लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है, लेकिन इस स्थान पर आस्था रखने वाले लोगों को ये मालूम नहीं कि यहाँ कोई वेदशाला मौजूद है। दरअसल घुमक्कड़ साधक और नक्षत्रों का ज्ञान रखने वाले महापंडित चक्रधर प्रसाद जोशी ने देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर की प्रेरणा से साल 1946 में करीब 2123 मीटर की ऊंचाई पर नक्षत्र वेदशाला की स्थापना की, जिसके लिए जर्मनी और जापान से दूरबीनें मंगवाई गईं। हिमालय पर इस नक्षत्र वेदशाला को जहां स्थापित किया गया है, वहां से सौरमंडल बराबर दिशाओं में है। पंडित चक्रधर जोशी ने इस नक्षत्र वेदशाला की मदद से कई शोध पत्र तैयार किए और ज्योतिष में भी अद्भुत ज्ञान हासिल किया। उनके अलावा इस वेदशाला से कई विद्वान और खगोलविद जुड़े रहे। देव प्रयाग में मौजूद नक्षत्र वेदशाला उपेक्षा के चलते खस्ता हाल हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ पर रखे महत्वपूर्ण दस्तावेज धूल फांक रहे हैं। वही महत्वपूर्ण दूरबीनें खराब हो रही हैं। जानकारों का मानना है कि अगर इस वेदशाला का रखरखाव किया गया तो इससे सौर मंडल के कई रहस्य खोले जा सकते हैं।